हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब जरूर ठीक होंगे। तो दोस्तों आप सभी को स्वागत है आप सभी के अपने चैनल दीपक झा स्टडी मस्ती पे, और मैं हूं दीपक झा। दोस्तों आज हम फिर से संधि का वीडियो लेकर के आए हैं, जिसमें आपको संधि का परिभाषा दिए थे और उनके कितने सारे भेद होते हैं मैं आपको पिछले वाला वीडियो में बता चुके हैं। और आज हम अभी के वीडियो में आपको बताने वाले हैं जो पिछले वीडियो में बताए थे स्वर संधि के बारे में, और आज हम इस वीडियो में आपको स्वर संधि के बारे में ही बताने वाले हैं। जी हाँ, तो स्वर संधि का परिभाषा आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, और अभी आपको हम बताएंगे स्वर संधि के भेद कितने होते हैं और उनकी बारी बारी उनकी परिभाषा क्या होगी, मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर आप मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे पिछले वाला वीडियो को देखिए, और उसको देखने के बाद ही इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको स्वर संधि के बारे में पता चलेगा कि आखिर स्वर संधि होता क्या है, और उसके बाद जो स्वर संधि का भेद होगा वो आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि मैं आप तक कोई भी वीडियो पहुंचाता हूं, कोई सिखाने का काम करता हूं, तो आपके अंदर कोई भी डाउट ना रहे, मैं यही सिर्फ चाहता हूं, क्योंकि आप मेरे लिए समय दे रहे हैं तो मैं आपके लिए भी समय दे रहा हूं, तो उस समय खाली नहीं जाना चाहिए, आपके दिमाग में सारी बात जाना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात कि मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि पिछला वाला वीडियो देखिए, ताकि उसमें संधि का भी भेद है, संधि के भेद होते कितने हैं वो भी हम बताए हुए हैं, और आज जो हमारा टॉपिक है स्वर संधि के भेद, वो स्वर संधि कहते किसे हैं मैं पिछले वाला वीडियो में बता चुका हूं। दोस्तों बिना समय गवाए चलिए और देखिए स्वर संधि किसे कहते हैं, सॉरी स्वर संधि कितने भेद है उनके बारे में बताते हैं, और उनकी सारी भेदों की परिभाषा इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो जी हाँ, आप अपने साथ एक नोट कॉपी जरूर रखिए, पेन रखिए, और उसको नोट करते चलिए। और मेरे एक और बात की, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे जो रेड बटन है उस पर क्लिक करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपका ऑल नोटिफिकेशन जो मेरा होगा वो आप तक पहुंचेगा, और मेरा सारे वीडियो आप तक पहुंचने के बाद आप सारे वीडियो को देख पाइएगा। तो आइए दोस्तों बताते हैं आपको कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात कि स्वर संधि के जो भेद है वो स्वर संधि आपको परिभाषा पिछले वीडियो बताया थे, और आज हम आपको बता रहे हैं स्वर संधि के भेद। ठीक है, तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? पांच भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, और चौथा क्या है? यन संधि, और पांचवा हमारा है आयादि संधि। ठीक है, तो स्वर संधि के पांच भेद होते हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और आयादि संधि। इन पांचों का परिभाषा बारी बारी से इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा परिभाषा है दीर्घ संधि, उसके बारे में जानते हैं कि दीर्घ संधि कहते किसे हैं। तो दीर्घ संधि का परिभाषा होगा हरस स्वर, जैसे कि अ, हरस ई, हरस उ, या दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ के आपस में मिलने से यदि स्वर्ण या उसी जाति के दीर्घ स्वर, या तो स्वर अथवा उसी जाति के दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ की उत्पत्ति हो तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, दोबारा रिकॉल करते हैं, आप सुनने की कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, और हाँ नोट भी कीजिए। ठीक है, देखिए दीर्घ संधि क्या है, हरस स्वर अ, हरस ई, हरस उ, या दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ के आपस में मिलने से यदि स्वर या यदि स्वर्ण या उसी जाति के दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ की उत्पत्ति हो तो उसे ही हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहेंगे। ठीक है, जैसे देख लीजिए अ जोर अ से क्या बना, जैसे अ जोर अ से आ बनता है, अ जोर अ से क्या होगा, आ का उच्चारण होगा, हम आपको ये यहाँ बता देते हैं कैसे होगा। अ जोर अ से आ का उच्चारण इस तरह होगा, जैसे कि भव जोर अर्थ से भवार्थ बनता है, क्या बनता है, भव जोर अर्थ से भवार्थ। तो भव में व में क्या है कि अ की मात्रा है, और अर्थ में अ तो है ही, तो अ अ से क्या बना, भावार्थ बना, जिसमें आ कारक की मात्रा है, तो अ जोर अ से भी आ होता है, जैसे भव जोर अर्थ से क्या होगा, भावार्थ होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अ जोर आ से भी आ ही होगा, अ जोर अ से भी आ होगा, जैसे पुस्तक जोर आले, तो पुस्तक क में क्या है, अ है, और आले में क्या है, आ कर की मात्रा है, तो अ जोर आ से भी आ होगा, जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तकालय में काले को देखिए आ कर की मात्रा है, तो हमारा यहाँ पुस्तक जोर आले से क्या हो जाएगा, पुस्तकालय, जो कि क्या है, स्वर संधि का है। तो यहाँ बोला जा रहा था ना कि स्वर के बाद व्यंजन आए, यदि स्वर के बाद दीर्घ स्वर आए, सॉरी दीर्घ स्वर आए, तो दीर्घ स्वर हमारा क्या आ गया, आ गया अ के बाद। ठीक है, या दीर्घ स्वर या देखिए आपस में मिलने से यदि स्वर्ण या उसी जाति के दीर्घ स्वर है, या तो उसी जाति के दीर्घ स्वर होगा, नहीं तो स्वर और हरस्वर और दीर्घ स्वर का मिलन होता है। ठीक है,
मिलाप होता है। जैसे देख लीजिए, आपको बताई दिया अ जोर आ से आ हुआ, पुस्तक जोर आलय, यानी पुस्तक क में क्या है अ है और आलय में आ है, तो क्या हो गया पुस्तकालय हो गया। इसी प्रकार आ जोर आई, हमारा दोनों के दोनों क्या है दीर्घ स्वर है, दोनों दोनों क्या है दीर्घ स्वर है, तो आ जोर आ से भी आ होगा। जैसे प्रतीक्षा जोर आलय, तो प्रतीक्षालय हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रतीक्षालय। तो यहाँ प्रतीक्षा जोर आलय, प्रतीक्षा में क्या है कि आकार की मात्रा है और आलय में आ है, तो प्रतीक्षालय हो गया। तो इस तरह हमारा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा दीर्घ स्वर का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, इसे ही हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और आप उदाहरण देकर क्लियरली समझ सकते हैं, उसका परिभाषा भी आप खुद निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा उदाहरण से ही क्लियर हो जाता है कि दीर्घ स्वर कहते हैं किसे है। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा हमारा जो ये गुण संधि है, अब उसके बारे में जानेंगे कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो हमारा था दीर्घ संधि का परिभाषा, अब देखेंगे हम गुण संधि किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है गुण संधि और यन संधि को देखेंगे कि गुण संधि किसे कहते हैं और यन संधि किसे कहते हैं। आप बारी बारी से आराम आराम से परिभाषा पढ़िए, ताकि आपको मेरा कोई भी पॉइंट जो आपको हम बता रहे हैं, जो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो आपके हर एक पॉइंट, हर एक एक्सप्लेनेशन जो मेरे द्वारा हो रहा है आपके दिमाग में पूरा आ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कि गुण संधि किसे कहते हैं। तो गुण संधि का परिभाषा देखेंगे, यदि अ या आ के बाद, ठीक है, यदि अ या आ के बाद हरस ई दीर्घी, हरस उ दीर्घ उ, रि स्वर आते हैं, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ तथा और हो जाते हैं, और इसी को हम गुण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को हम क्या कहते हैं गुण संधि कहते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं दोबारा, देखिए, यदि अ या आ के बाद हरस ई दीर्घ ई, हरस उ दीर्घ उ, रि स्वर आते हैं, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाते हैं, और इसी को गुण संधि कहते हैं। यही परिभाषा होगा गुण संधि का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अ जोर हरस ई से ए होगा, कैसे, तो देव जोर इंद्र, देव में क्या है कि हमारा व के बाद अ आता है, ठीक है, तो अ हो गया, और इंद्र में क्या हरस ई है, तो देव जोर इंद्र से क्या हो जाएगा देवेंद्र। तो वेंद्र भी देखिए यहाँ पे वे जो लग गया ए कार का उच्चारण है, ठीक है, यानी कि ए का उच्चारण हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा देवेंद्र हो जाएगा। इसलिए देव जोर इंद्र से देवेंद्र हो जाएगा। फिर देखिए अ जोर दीर्घ ई से भी ए कार का उच्चारण होगा, क्या होगा अ जोर दीर्घ ई से भी ए का उच्चारण होगा, इसलिए यन जोर ईस, यानी यन न में क्या है कि अकार की मात्रा है, यहाँ पे अकार की मात्रा आ रहा है इसका, और ईस में क्या है कि दीर्घी कार की मात्रा आ रहा है, और फिर इससे क्या बना ए बना, इसलिए गणेश हो गया, क्या हो गया गणेश हो गया। तो हमारा ये जो होगा ये भी क्या होगा गुण संधि का उदाहरण होगा, गुण संधि का एग्जांपल होगा। ठीक है, दैट्स इट। और भी सारे एग्जांपल होंगे, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताए हैं, लेकिन ये आप क्लियरली याद कर लीजिए कि जब भी अ या आ के बाद, अ या आ के बाद, यानी हमारा हरस स्वर ये और दीर्घ स्वर आ के बाद, हरस ई दीर्घ ई, हरस उ दीर्घ उ, रि स्वर आते हैं, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ तथा और हो जाते हैं, और इसी को हम गुण संधि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं गुण संधि कहते हैं, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब अगला देखेंगे हमारा तीसरा, यन संधि किसे कहते हैं, इसको थोड़ा गौर से देखिए, यन संधि कहते किसे हैं, अब उसको जानेंगे। यदि हरस ई दीर्घ ई, हरस उ दीर्घ उ, या रि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, इसमें क्या है कि यदि हरस ई दीर्घ ई, हरस उ दीर्घ उ, या रि के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो हरस ई दीर्घ ई का य उ तथा दुर्गु, यानी हर्षु और दुर्गु का व और री का र हो जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि या हर्षु का दुर्गु का व हो जाएगा और री का र हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं यन संधि कहते हैं। क्या कहते हैं यन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए, जैसे हर्ष ई जोर अ से य बना होगा, कैसे, यदि, यदि में देखिए हर्षी कार की मात्रा है और अपी में अ है, तो हर्षी और अ से, यानी हर्षी कार और अ से मिलकर क्या बना य बना, इसलिए यद्यपि हो गया, या यद्यपि ये भी होगा, ये भी होगा। ठीक है, य का उच्चारण हो गया, जिसमें हर्षिकार और अ के मिलने से हमारा य प्राप्त होता है। ठीक है, इसलिए यदि जोर अपि से क्या होगा यद्यपि हो जाएगा, और ठीक उसी प्रकार इति जोर अपि से भी हमारा इत्यादि हो जाएगा, इति जोर अपि इत्यादि। ठीक है, ये सब के सब क्या है स्वर संधि, ये सब के सब स्वर संधि ही है, और स्वर संधि में किसका भेद है यन संधि का है। ठीक है, क्या है यन संधि का है। तो अभी हम आपको इस वीडियो में यन संधि, और फर्स्ट हमारा था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण संधि, और तीसरा हमारा क्या था यन संधि। हम आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और यन संधि का परिभाषा आपको बताए हैं, और जो हमारा बच गया यानी कि वृद्धि संधि और आयादि संधि, दो परिभाषा आपको हम नेक्स्ट वीडियो में समास का परिभाषा बताते हुए, उसी में समास का परिभाषा भी बताएंगे, और उसमें दो परिभाषा आपको बताएंगे, ताकि आपको अच्छा से क्लियरली समझ में आए। और ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और जरूर आपको उम्मीद है कि आप जरूर समझे होंगे, तो अगर समझे होंगे तो लाइक जरूर कीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, और आपको कई बार आपको हम कह चुके लाइक
आपको कई बार हम कह चुके हैं कि लाइक जरूर कीजिए, ताकि आप लाइक कीजिएगा तो एनर्जी लेवल मेरा बढ़ता है और वीडियो बनाने का काफ़ी सारा मूड ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें हो जाती है, ठीक है। तो आप लाइक किया कीजिए, डाउट हो तो कमेंट कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट कीजिए, कोई चीज़ पूछना हो तो भी आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दिया जाएगा। और एक और बात कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम जो है दीपक कुमार के नाम से होगा, आप वहां पर जाइए सर्च कीजिए और मेरा इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, आप वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां बताने का पूरा फुल्ली प्रयास करूंगा। और मैं एक और चैनल बना चुका हूं दीपक ब्लॉग करके, दीपक कुमार ब्लॉग चैनल मेरा यूट्यूब पे है, जिसे हमारी ढेर सारी मस्ती का वीडियो उसमें आने वाला है और उसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा जो मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ का वीडियो शूट करके वहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो मेरा चैनल बहुत जल्दी वो भी अब आप लोगों के बीच आने वाला है, कि मैं चालू कर चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो मेरा ज़्यादा नहीं आया है, 1 से 2 वीडियो ही डाले हैं, लेकिन उस पर भी मेरा काम बहुत जल्द शुरू कर दूंगा। तो आप वहाँ पर भी उस चैनल को भी सर्च करके यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको भी आप देख सकते हैं, मेरा मस्ती भरा वीडियो आपको वही दीपक कुमार ब्लॉग चैनल पर आपको मिलेगा, ठीक है। और ये तुम्हारा एजुकेशनल चैनल है, जिसमें मैं बहुत सारा वीडियो एजुकेशनल के ही माध्यम से बताता हूँ, और ना जो भी वीडियो आता है सिर्फ एजुकेशनल का ही आता है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मेरा काम चलता है, और मैं किसी भी स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा कारगर होता ही है, क्योंकि एजुकेशनल चैनल पर कोई भी स्टूडेंट जुड़ करके अपना पढ़ाई को पूरा कर सकता है। तो आई होप आप ये सब बात जरूर समझ गए, आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।